अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है और मैं भारती दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगत सिंह के दादा ने जो आर्य समाजी थे यज्ञ वेदी के समक्ष कहा कि मैं अपने दोनों पोतों को इस यज्ञ वेदी के सामने देश को समर्पित करता हूँ, तो ये कैसे भगत सिंह के पिता, उनके दादा, उनके चाचा, ये सब उन्हें ऐसे संस्कार दे रहे थे जिससे भगत सिंह की देशभक्ति एक नया ही रूप ले रही थी। शुरू में भगत सिंह बंगा में ही पढ़े और बाद में अपने पिता के पास लाहौर आ गए। उन दिनों रोलेट एक्ट का चारों तरफ विरोध हो रहा था। गांधी जी जहां असहयोग आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जाग चुकी थी। और तभी इतिहास का वो काला दिन आया, 13 अप्रैल सन 1919 का। रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित थी जिसमें स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे सभी उपस्थित थे। जनरल डायर ने उस जलियांवाला बाग के सारे दरवाजों को बंद किया और निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और पल भर में ही जलियांवाला बाग का वो दृश्य बदला हुआ था। वहां चारों तरफ मांस के लोथड़े ही लोथड़े, लाशों के ढेर और खून ही खून था। चारों तरफ चीख चिल्लाहट थी। इस घटना ने भगत सिंह को, उनके मन को पूरी तरह हिला दिया। वो नन्हा बालक भगत सिंह स्कूल से सीधे अमृतसर पहुंचा और वो खून से सनी हुई मिट्टी एक बोतल में भर कर अपने घर ले आया और रोज उस मिट्टी पर फूल चढ़ाया करता। भगत सिंह अब नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे और यहीं उनकी मुलाकात हुई विजय कुमार सिन्हा, यशपाल, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों से। पर इधर उनके घर में उनके ब्याह की चर्चा हो रही थी, जिसे सुनकर भगत सिंह कानपुर चले गए गणेश शंकर विद्यार्थी के पास, जो पत्रकार भी थे और क्रांतिकारी भी। भगत सिंह अपना नाम बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ काम करने लगे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक प्रताप नामक एक अखबार निकाला करते और भगत सिंह उसके सह संपादक थे और वे विद्रोही के नाम से लिखा करते। उनके पिता उन्हें मनाकर किसी तरह लाहौर वापस तो ले आए, पर इस शर्त पे कि वे अब पूरी तरह अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित हैं। और अब भगत सिंह भारत को आजाद करवाने के लिए जी जान से लगे हुए थे। तभी एक महत्वपूर्ण घटना हुई। देश में साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन का विरोध सारे भारत में हो रहा था, तो लाहौर कैसे बचता। दिन था 29 अक्टूबर सन 1928। लाला लाजपत राय अपने कुछ साथियों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए। लाला लाजपत राय प्रदर्शनकारियों के साथ सबसे आगे थे
और तभी लाहौर के सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सॉन्डर्स को प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर लाठी से हमला करने को कहा। सॉन्डर्स पर तो खून सा सवार था, उसके सामने कोई भी आया, चाहे वे लालाजी हो या अन्य कोई क्रांतिकारी, वो उन पर लाठियों से प्रहार करता रहा। उन दिनों लाला लाजपत राय पर हमला करना तो दूर कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था, और सॉन्डर्स ने लालाजी पर कई प्रहार किए। लालाजी पर जैसे ही प्रहार हुए, वे जमीन पर गिर पड़े और फिर प्रदर्शन स्थल पर सन्नाटा था, चुप्पी थी। इस घटना के कुछ समय बाद 17 नवंबर 1928 के दिन शेरे पंजाब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और इस घटना से पूरा देश आहत था और भगत सिंह सबसे ज्यादा दुखी। क्रांतिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि खून का बदला खून, स्कॉट और सॉन्डर्स की हत्या की जाएगी, और इसके लिए 4 क्रांतिकारियों का चयन किया गया, जय गोपाल, चंद्रशेखर आजाद, और साथ में थे भगत सिंह। तो अब क्रांतिकारी स्कॉट और सॉन्डर्स की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे, उनके आने जाने का दिन स्थान, वे किस समय आते हैं और किस समय जाते हैं। स्कॉट जहां नीली रंग की गाड़ी से आता, वहीं सॉन्डर्स अपनी लाल रंग की मोटरसाइकिल से, और दिन तय हुआ 17 दिसंबर 1928, यानी लाला जी की मृत्यु के ठीक 1 माह बाद। तो 17 दिसंबर के दिन जय गोपाल स्टेशन के सामने अपनी साइकिल को इस तरह लेकर बैठा था मानो अपनी साइकिल की मरम्मत कर रहा हो, लेकिन उसकी नजरें तो स्टेशन पर थी। भगत सिंह और राजगुरु थोड़े दूरी पर थे और चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ की ओट में। जैसे ही सॉन्डर्स उस स्टेशन से बाहर निकला, जय गोपाल ने इशारा किया और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। चंद्रशेखर आजाद ने जय गोपाल को जाने का इशारा किया और भगत सिंह ये देखने के लिए आगे आए कि सॉन्डर्स ठीक से मरा है या नहीं, और उसने उन पर 2-3 गोली और चला दी। उस स्टेशन का हेड कांस्टेबल जब चंदन सिंह ने सॉन्डर्स को गिरते हुए देखा तो वो उनकी सहायता के लिए दौड़ा। तभी उसने राजगुरु और भगत सिंह को जाते हुए देखा, वो उनके पीछे हो लिया। चंद्रशेखर आजाद ने जब ये देखा तो वो दौड़कर आगे आए और उन्होंने उस चंदन सिंह को कहा कि ठहरो, हम किसी भारतीय पर गोली नहीं चलाना चाहते। किंतु चंदन सिंह कहां रुकने वाला था, वो भगत सिंह और राजगुरु के पीछे था, और फिर चंद्रशेखर आजाद ने चंदन सिंह पर गोली चला दी। वो एक ही गोली में वहीं ढेर हो गया। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद अब डीएवी कॉलेज में घुस गए और वहां दीवार फांद कर हॉस्टल में जा पहुंचे। कुछ देर वो उसी स्थान पर रहे, जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और वहां से इस तरह चले गए मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। यह किस्सा इतनी तेजी से घटित हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया कि गोली किसने चलाई। किंतु अंग्रेज, उन्हें शंका थी कि राजगुरु और भगत सिंह जरूर इस हत्याकांड में शामिल है,
पूरे लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु की खोजबीन हो रही थी, पर भगत सिंह अब वे कलकत्ता जाना चाहते थे, किंतु कलकत्ता जाए कैसे? इसके लिए राजगुरु और सुखदेव दुर्गा भाभी के घर जा पहुंचे। दुर्गा भाभी भगवती चरण वोहरा की पत्नी, भगवती चरण वोहरा भी क्रांतिकारी थे और दुर्गा भाभी भी क्रांतिकारी। उनके घर जाकर उन्होंने कहा कि भाभी, आपको एक व्यक्ति को यहां से बाहर निकालना है, लेकिन इस काम में खतरा है। हाँ हाँ, तो जरूर करूंगी, लेकिन वो व्यक्ति कौन है? कोई भी हो, लेकिन आपको पहले बता दें कि गोली भी चल सकती है और जान भी जा सकती है। अरे वो सब छोड़ो, लेकिन जाना कब है? कल सुबह ही। ठीक है, तब मैं शची को भी अपने साथ ले चलूंगी। शची, भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी का एकमात्र पुत्र, 3 साल का। तो इधर भगत सिंह ने अपने केश कटवाए, एक सरकारी अधिकारी समान कपड़े पहने, सर पर हैट लगाया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दुर्गा भाभी के घर के दरवाजे के सामने खड़े थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें भीतर बुलाया और तब सुखदेव ने उन्हें पूछा कि भाभी, आपने पहचाना ये कौन है? दुर्गा भाभी ने ध्यान से देखा और कहा, ओह, भगत सिंह। और उसके बाद वे सभी जोरों से हंस पड़े। तो दूसरे दिन भगत सिंह सरकारी अधिकारी समान कपड़े पहनकर, हैट लगाकर शची को अपने साथ लिए और पीछे दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी, मेम के समान, और राजगुरु एक नौकर की भूमिका में बगल में फटा बिस्तर दबाए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लाहौर से कलकत्ता के पूरे रास्ते दुर्गा भाभी आशंकित थी, भयभीत थी कि कोई उन्हें देख ना ले, किंतु भगत सिंह निश्चिंत। और अब वे कलकत्ता जा पहुंचे। तो कलकत्ता ही वह स्थान था जहां असेंबली में बम फेंकने की योजना बनी। कलकत्ता में भगत सिंह की मुलाकात हुई यतीन्द्रनाथ दास से, जिन्हें बम बनाने में महारत हासिल थी। और अब सभी क्रांतिकारी बम बनाना चाहते थे और बम बनाने का काम आगरा और अन्य स्थानों पर शुरू हुआ। और तभी देश में 2 कानून आने वाले थे, सार्वजनिक सुरक्षा कानून और औद्योगिक विवाद कानून। तो क्रांतिकारियों ने बैठक में तय किया कि अंग्रेजों को हमारे अस्तित्व से अवगत कराने के लिए हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी। अंग्रेज हमें मार रहे हैं, लूट रहे हैं, हमारी हत्याएं कर रहे हैं, और ऐसे ही कई दमनकारी नियम कानून हम पर लादे जाएंगे, तो कभी ना कभी तो विरोध करना ही होगा। तो ये काम हम असेंबली में बम फेंक कर करेंगे, किंतु हमारा उद्देश्य किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं होगा, अतः हम बम खाली बेंच पर फेंकेंगे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस काम के लिए मैं जाऊंगा, और बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि और साथ में मैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ठीक है, फिर जैसे ही बम फेंका जाएगा, बम फेंकने की हड़बड़ी में मैं तुम दोनों को वहां से बाहर निकाल लूंगा। किंतु भगत सिंह ने कहा कि नहीं आजाद भैया, हम वहां से भागेंगे नहीं, हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि यदि हम वहां से भागे तो भारत की जनता हमें डरपोक समझेंगी,
और जब हमने अपने आप को मातृभूमि को सौंप ही दिया है तो फिर सजा और फांसी से क्या भय। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ठीक कहते हो भगत। अब इस पर भगत सिंह ने कहा कि बटुकेश्वर दत्त के साथ मैं जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम्हारी जरूरत अभी जेल के अंदर से ज्यादा बाहर है, किंतु भगत सिंह वो कहां मानने वाले थे। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकने के लिए इन दो क्रांतिकारियों का चयन हुआ। और दिन तय हुआ जिस दिन ये दोनों नियम कानून देश में पास होने को थे। खाली बेंच पर बम फेंका गया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा असेंबली हॉल उस बम के धमाके से, उस धुएं से भर चुका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस स्थान से भागे नहीं, उन्होंने वहां जोर से चिल्लाकर कहा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत है। दोनों ने आत्मसमर्पण किया और कुछ ही पलों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद एक एक कर सारे क्रांतिकारी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे थे। बम बनाने का वो स्थान पुलिस पता कर चुकी थी। हंसराज बोहरा और जय गोपाल पुलिस के मुखबिर बन चुके थे, सरकारी गवाह बन चुके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को हाथों में हथकड़ियां लगाए, पैरों में बेड़ियां बांधे, एक ही रेल से अलग अलग डिब्बों में जेल ले जाया जा रहा था। भगत सिंह हाथों में हथकड़ियां लगने के बाद भी अपनी माँ भारत के लिए, माँ भारती के लिए गीत गा रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला। सिपाही उन्हें आश्चर्य से देखे जा रहा था कि कोई व्यक्ति इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है जिसके हाथ में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। उस सिपाही ने भगत सिंह को कहा कि थोड़ी देर विश्राम कर लें आप। भगत सिंह ने उस सिपाही की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जिस पुत्र की मां गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है, उस पुत्र को आराम करने का अधिकार कतई नहीं है। ये सुनकर उस सिपाही की आंखें झुक गई और अब दृश्य बदल चुका था। वो सिपाही भगत सिंह को अपने साथ लिए बटुकेश्वर दत्त के डिब्बे में ले जा रहा था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह एक दूसरे के गले मिलकर यूं मिले मानो बरसों के बिछड़े हो। और तभी तय हुआ कि जेल में पहुंचकर वे दोनों भूख हड़ताल शुरू करेंगे। चौदह जून सन 1929 के दिन ये भूख हड़ताल शुरू की गई। इस भूख हड़ताल का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय कैदियों के साथ जानवरों सा व्यवहार ना किया जाए, उन्हें साफ वस्त्र दिए जाएं, अच्छा भोजन दिया जाए, पढ़ने के लिए किताबें और अखबार दिए जाएं और लिखने के लिए सामग्री दी जाए। इस उद्देश्य के साथ ये भूख हड़ताल शुरू हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की भूख हड़ताल के बाद अन्य क्रांतिकारियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल से देश भर के अखबार अब ये खबरों से भरे रहते हैं।
अंग्रेज परेशान थे कि किसी तरह ये भूख हड़ताल खत्म हो। क्रांतिकारियों की कोठियों के बाहर अंग्रेज फल और मिठाइयां रख देते हैं, उनके पानी पीने के मटकों में दूध भर दिया जाता है, किंतु क्रांतिकारी वे मटके फोड़ देते हैं। उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाया जाता। अजय घोष को जब दूध पिलाया गया, उसने मक्खी निगल ली और पूरा दूध बाहर निकाल दिया। यतीन्द्रनाथ दास को रबड़ की नली से जब जबरदस्ती दूध पिलाया गया तो वो दूध उसके फेफड़ों में जा पहुंचा और उनकी हालत बिगड़ती गई। भगत सिंह ने उन्हें बहुत समझाया कि वे ये भूख हड़ताल खत्म करें, किंतु वे नहीं माने और उनकी मृत्यु हो गई। ये भूख हड़ताल 114 दिन चली। आप विश्वास करेंगे, 114 दिन, जहां हम एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते, और यदि हम रहते भी हैं तो उसके पीछे व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक अन्य कोई प्रयोजन अवश्य होता है, किंतु देश के लिए 114 दिन भूखे रहना, कल्पना कीजिए। ये भूख हड़ताल खत्म हुई 5 अक्टूबर सन 1929 के दिन, और इसी बीच सारे क्रांतिकारियों पर मुकदमे भी चले। भगत सिंह पर चला सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा। मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर सारे क्रांतिकारी अदालत में उपस्थित रहते। सॉन्डर्स की हत्या, असेंबली में बम कांड और भूख हड़ताल के कारण अब भगत सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। पूरी अदालत लोगों से भरी रहती, क्योंकि वे भगत सिंह को देखना सुनना चाहते थे। किंतु अंग्रेज वे अब हिंसा पर उतारू आ गए और अब वे क्रांतिकारियों को मारने पीटने लगे, और इस कारण क्रांतिकारियों ने अदालत में आना बंद कर दिया। इस मुकदमे का फैसला आया 6 अक्टूबर सन 1930 के दिन, पर मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर जब क्रांतिकारियों ने आना बंद कर दिया, तो तब ना तो बचाव पक्ष का कोई वकील रहता, ना कोई क्रांतिकारी, तो ये फैसला तो एक तरफा ही होना था। फैसले वाले दिन भी ना तो कोई क्रांतिकारी उपस्थित था, ना बचाव पक्ष का वकील, अतः यह फैसला क्रांतिकारियों को जेल में जाकर सुनाया गया अगले दिन 7 अक्टूबर को। और फैसला था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव शिव वर्मा, किशोरी लाल, महावीर सिंह को काला पानी, बटुकेश्वर दत्त को पहले ही काला पानी की सजा सुनाई जा चुकी थी, किशोरी लाल और प्रेम दत्त को 7 वर्ष और 3 वर्ष की सजा, अजय घोष, आशाराम, देशराज, सुरेंद्रनाथ और जितेंद्र नाथ को मुक्त कर दिया गया, और चंद्रशेखर आजाद फरार थे। भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो चुकी थी। यह फैसला सुनने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के मुख पर प्रसन्नता थी। अब तीनों को अलग अलग कोठरियों में रखा गया था। फांसी के ठीक एक दिन पहले 23 मार्च के दिन भगत सिंह लेनिन की आत्मकथा को पढ़ रहे थे। और इधर उनके पिता, भगत सिंह की जय, इनकलाब जिंदाबाद की आवाज सुनकर वर्तमान में लौटे
वे व्यथित तो थे किंतु अपने पुत्र पर उन्हें गर्व भी था। इधर जेल में एक सिपाही ने आकर भगत सिंह को कहा कि तुम्हारा अंतिम स्नान का समय हो चुका है। भगत सिंह आश्चर्य में थे। इस समय क्योंकि अंग्रेज अधिकारी वे भयभीत थे कि लाहौर की सेंट्रल जेल के बाहर जो लोगों की भीड़ थी वो कहीं विद्रोह ना कर दे, उपद्रव ना कर दे और उनकी जान पर ही ना बनाए। तब अंग्रेज अधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 11 घंटे पहले होगी। जेल के भी अन्य कैदियों को यह सूचना दी गई कि वे अपनी अपनी कोठरियों में वापस चले जाए। सभी कैदी भी आश्चर्य में थे कि अभी तो संध्या होने में समय है और अभी से, किंतु वे जानते थे कि अंग्रेज कुछ भी कर सकते हैं। वे सभी बारी बारी से नारे लगा रहे थे, भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, राजगुरु की जय। और इधर जब भगत सिंह अंतिम स्नान कर वापस लौटे और उन्हें बूढ़े वार्डन चतर सिंह ने कहा कि मेरी एक बात मानोगे भगत? भगत ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए। भगत एक बार, अंतिम बार वाहेगुरु का नाम ले ले पुत्र। भगत सिंह ने कहा कि यदि मैंने आज ईश्वर का नाम लिया तो ईश्वर क्या सोचेगा कि आज तक तो भगत ने कभी मेरा नाम नहीं लिया और आज जब मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है तो ये भगत सिंह मेरा नाम ले रहा है। यदि लोग मुझे नास्तिक समझते हैं तो समझने दीजिए, लेकिन कल को कोई ये ना कहेगा कि भगत सिंह डरपोक था और अपनी मृत्यु के डर से जब वो मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा था उसके पैर डगमगा रहे थे और वो ईश्वर का नाम ले रहा था। मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दीजिए। चतर सिंह अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से लौट पड़ा। भगत सिंह अब भी अपनी उस किताब जो लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे उसमें डूबे हुए थे और एक सिपाही ने आकर उन्हें कहा कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ भगत सिंह। भगत सिंह ने गरज कर कहा कि ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह ने वो पेज खत्म किया और अपनी कोठरी से बाहर आए और सामने देखा कि सुखदेव और राजगुरु पहले से ही वहां उपस्थित थे। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कह उठे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। तीनों एक दूसरे के गले मिले और फिर हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में फांसी घर की तरफ बढ़े। फांसी घर के बाहर मजिस्ट्रेट उन्हें आश्चर्य से फटी हुई आंखों से देख रहा था कि कोई अपने मृत्यु के पूर्व इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है। भगत सिंह ने उस मजिस्ट्रेट को कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज आप देखेंगे कि भारत माँ के ये पुत्र किस तरह भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। फांसी घर में पहुंचकर उन तीनों ने देखा कि तीन फंदे झूल रहे थे। उन फंदों को देखकर उन तीनों के चेहरे पर प्रसन्नता थी, एक तेज था, एक ऊर्जा थी। उनका सपना जो आज पूरा होने वाला था,
वो सधे हुए कदमों से उस फांसी घर के उस तख्ते की तरफ बढ़े और तेजी से उस तख्ते पर चढ़ खड़े हुए। बीच में भगत सिंह थे तो एक तरफ सुखदेव और दूसरी तरफ राजगुरु। उन तीनों ने उस फंदों को बड़े प्यार से देखा, चूमा और अपने गले में डाल लिया। जल्लाद ये पास खड़ा देख रहा था, उसने आज से पहले कई लोगों को फांसी दी थी, लेकिन आज से पहले आजादी के ऐसे दीवानों को उसने नहीं देखा था। भगत सिंह ने उन्हें कहा कि हमारे फंदों को ठीक कर ले अब आप। जल्लाद ने कांपते हुए हाथों से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फंदों को ठीक किया और तेजी से नीचे उतरा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, उसने कांपते हुए हाथों से उस चरखी को थामा। वो आवाज सुन रहा था कोठरियों से आती हुई, भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, राजगुरु की जय, इनकलाब जिंदाबाद। और अगले ही पल उस जल्लाद ने उन तीनों को देखा। वे बड़े शांत थे, प्रसन्न थे, किंतु वो जल्लाद अगले ही क्षण पाषाण का हो गया। उसने चरखी घुमाई, आवाज हुई, वो तख्ता गिरा और तीनों सपूत भारत मां पर अर्पित हो गए। समय था 7:23। उस रात जेल में किसी भी कैदी ने भोजन नहीं किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने 11 घंटे पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी तो दे दी, लेकिन इन शवों का क्या करना है वो ये सोच भी नहीं पाए। यदि जेल में ही उनका अंतिम संस्कार होता तो उठता हुआ धुआं लोगों से छुपा न रहता और जनता विद्रोह कर देती, ये तय था। निर्णय लिया गया कि जेल की पिछली दीवार को तोड़ा जाए और इन शवों को ट्रक में डालकर सतलज नदी के किनारे ले जाया जाए। इधर लाहौर की जेल के बाहर जेल के अंदर से आती हुई आवाज जनता सुन रही थी। वो आवाज थी भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, राजगुरु की जय और इनकलाब जिंदाबाद। जनता समझ चुकी थी कि अंदर जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है। अंग्रेज क्या कर सकते थे और क्या नहीं, ये भारतीय अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उस जेल से निकलने वाले प्रत्येक चौराहों पर लोगों का जमघट था और उधर वो ट्रक सतलज नदी के किनारे बड़ा चला जा रहा था। तभी किसी ने कहा कि एक ट्रक सतलज नदी के किनारे आगे बढ़ा जा रहा है। भारतीय समझ चुके थे कि अंदर क्या हुआ है। सतलज नदी के किनारे 3 चिताएं जल रही थी। आसपास गांव वालों ने जब ये देखा तो वे मशाल लेकर उस ओर दौड़े। ब्रिटिश अधिकारियों ने जब गांव वालों को अपनी ओर आता देखा तो वे उन शवों को वैसा ही छोड़कर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने आकर देखा कि वे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अधजले शव थे। पूरी रात वे उन शवों की निगरानी करते रहे और फिर सुबह ससम्मान उन शवों का अंतिम संस्कार हुआ।
उनका सिंह एक चिंगारी, एक ज्वाला लोगों में जलाना चाहते थे। वे चाहते थे कि आजादी की ये ज्वाला लोगों में धधकती रहे, और ऐसा हुआ भी। उनके जाने के बाद ये आजादी की ज्वाला जलती रही। ब्रिटिश अधिकारी चाहते थे कि वे उन क्रांतिकारियों का नामो निशान मिटा दे, लेकिन वे ऐसा कर न सके। मरने के बाद भी वे क्रांतिकारी लोगों के दिल में अमर हो चुके थे। तो सतलज नदी के किनारे देशभक्ति का रंग घुला हुआ था। लोग भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, राजगुरु की जय के नारे लगा रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद का शोर था, और कहीं दूर हवा में, फिजा में राम प्रसाद बिस्मिल के गाए वे स्वर जो उन्होंने स्वयं फांसी के तख्ते पर गाए थे। वे फिजा में घूल रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आजाद भारत की जय, हिंदुस्तान की जय, भगत सिंह की जय, सुखदेव की जय, राजगुरु की जय, और उन तमाम क्रांतिकारियों की जय, वीर पुरुष और वीरांगनाओं की जय जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। तो ये गाथा समर्पित है उन सभी क्रांतिकारियों को, वीर पुरुष को और वीरांगनाओं को। जय हिंद, जय भारत।